हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? एकदम से मस्त हो? किसी को कोई प्रकार की टेंशन वेंशन तो नहीं है? अरे गलत सेंस मत लगाना, टेंशन से मेरा मतलब ये है कि बहुत से बच्चों को पढ़ाई की टेंशन हो जाती है। एग्जाम करीब आ गया है तो टेंशन हो जाती है कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हमारा ये छूट गया। तो इस टाइप की बहुत सी टेंशन हो जाती है ना, तो पढ़ाई की टेंशन मत करिएगा। मतलब पढ़ना आपको है, लेकिन टेंशन माइंड में मत रखिएगा। टेंशन आप रखेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, काम एक ही हो पाएगा। आपको बहुत जमकर के मस्तिष्क पढ़ाई करनी है, लेकिन टेंशन माइंड में नहीं रखना है, समझ गए? एक माइंड को रिफ्रेश रखिएगा, माइंड को अच्छे तरीके से रिफ्रेश रखिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, है नहीं? मतलब टाइम कम है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सके, है नहीं? टेंशन, जैसे कहते हैं एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, तो एग्जाम का प्रेशर माइंड पे बिल्कुल हावी मत होने देना। एग्जाम का प्रेशर हावी हो जाएगा ना, तो फिर आपका जानते हो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, समझ गए? तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको करा ही रहा हूँ, तो उसी कड़ी में आपको चाहता हूँ। हालांकि मेरे उस प्रिपरेशन में न्यूमेरिकल्स भी बहुत शामिल हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि स्पेशल तरीके से अलग से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँ, ताकि न्यूमेरिकल की जो दिक्कत है एग्जाम में बिल्कुल भी ना हो आप लोगों को, समझ गए? तो यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपको हर चैप्टर्स के मतलब बहुत से ज्यादा न्यूमेरिकल में कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे छूटे ना। मतलब कोशिश ये रहेगी कि या तो इसी बेस पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, या फिर आपको ऐसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पे आपको सलेशन कराया जाएगा, इसका सलेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पर आपके सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने, यहाँ पे जो कराए जाए ये भी आपको करने हैं, और जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाए आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो वहां पर वो भी क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। या तो इसी बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, या फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, आपको किसी प्रकार की न्यूमेरिकल्स की दिक्कत नहीं होगी। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दो चार्जेस हैं जिनके की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है, और ये बोला गया है कि इनके में जो रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वो है 18 न्यूटन का, और यहाँ पर चार्जेस का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 9 माइक्रो कूलम। तो ये पूछा गया है कि अलग अलग जो चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू क्या है आपको बतानी है। तो देखिए भैया, आपको जो दो चार्ज दे रखे नहीं पता है उनकी वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? तो आपका क्वेश्चन नंबर जो वन है, आप क्या करेंगे? सपोज मान लीजिएगा, सपोज टू, देखिए भैया पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्जेस आर Q1 एंड Q2। हिंदी वाले को समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा है कि हमने माना कि वे दोनों पॉजिटिव चार्ज धनात्मक चार्ज Q1 और Q2 हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर Q1 और Q2 की तो वैल्यू फाइंड करनी है, समझ गए? तो Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको जरा देखिएगा। क्या गिवन कर रखा है भैया आपको यहाँ पे, जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? दे रखा है कि इनके जो फोर्स लगता है रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना है, 18 न्यूटन का। कितना है? 18 न्यूटन का। और कह रखा है इनकेज की जो दूरी है डिस्टेंस आर, वो जानते हो कितनी भी है? वो है 0.1 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर दे रखी है। और आपको चीज दे रखी, जानते हो क्या? जो ये चार्जेस हैं, ये हमने तो Q1 Q2 मान रखा है, तो इनका योग दे रखा है 9 माइक्रो कूलम। तो भैया Q1 Q2 हमने मान रखा है, तो Q1 और Q2 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो भैया इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ओके, समझ गए? इसे मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर आपके क्या है, फर्स्ट। और भैया देखिएगा, आपका यहाँ पे 9 माइक्रो कूलम है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 × 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं, क्योंकि भैया माइक्रो में 10⁻⁶ होता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है? अब जरा ये देखिएगा, तो यहाँ पर भैया आपको Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है?
तो भैया देखिए, मेरे पास फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से, मैंने पढ़ रखा है। जानते क्या पढ़ रखा है कि एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है Q1 × Q2/r² होता है, यानी जहां r डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की। तो भैया फोर्स कितना दे रखा है मुझे, 18 न्यूटन। तो यहाँ पे 18 पुट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू आप लोग बता चुका हूँ पहले, बहुत पहले आप लोग जानते हो 9×10⁻⁹ होती है। अच्छा Q1 और Q2 की वैल्यू मुझे पता नहीं तो ऐसे रखिएगा, R की भैया वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो भैया जरा देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास 18 है, 9×10⁻⁹ कितना है, 9 है यहाँ पे, और यहाँ पर भैया Q1 × Q2 भैया इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.01, ठीक है। तो इसका पॉइंट आएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, इसकी पावर 2 बढ़ा लेंगे, है नहीं। तो ये भैया 18 कितना हो जाएगा, 9×10⁻¹ हो जाएगा। कैसे, इसका भी पॉइंट आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आएंगे, 2 इसके अंक हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मतलब होता है 10⁻²। तो हमने इसमें ऐड कर लिया, इतना हो गया। अब इंटू क्या बचेगा आपके पास, Q1 × Q2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर यहां से हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकालें तो मुझे क्या मिलेगा भैया, ये 18 है, ये टर्म भैया गुणे में तो भाग में चला जाएगा, 9×10⁻¹ मिल जाएगा। भैया काटो इसे, 9 × 9, 9 × 2 = 18। तो यहां से जो Q1 और Q2 है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2×10⁻¹⁰। भैया ये ऊपर जाएगा, इसकी घात माइनस में 11 हो जाएगी, दोनों चार्जेस का गुणनफल भैया तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अच्छा इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, जानते हो क्या, जरा यहां से भैया देख लीजिएगा, आपके पास निकल के आया है Q1 × Q2 बराबर में 2×10⁻¹⁰। अच्छा इसे जरा मैं लिख रहा हूं 20×10⁻¹² लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं भैया, हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया तो पावर इसकी माइनस में 1 ऐड कर दी, किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जानते हो क्या करेंगे, ये देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला मैथ में पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a-b² जब करते हैं तो क्या होता है, नहीं जो तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, कौन सा जानते हो, a+b² और माइनस में 4ab। तुमने सोचा होगा कि a-b² बताएंगे सर, तो हो जाएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा यार। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हम करेंगे Q1 - Q2 माइनस में है यहाँ पे ½। तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 का क्या हो जाएगा, ½, फिर क्या होगा माइनस में 4Q1 × Q2 हो जाएगा ना। अच्छा तो यहां से Q1 - Q2 ½। इसकी वैल्यू देखो मेरे पास है पहले से कि नहीं है, ये देखो दे रखी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी आप पुट कर देंगे, 9×10⁻¹⁶ है, इसका भैया है स्क्वायर माइनस में 4। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे भैया हम फाइंड करके ले आए, कितना है मेरे पास 20×10⁻¹⁰। अब देखो क्या करते, इसका और आप इसका और ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 81 होगा, 10⁻¹ हो जाएगा, 6×2 = 12 माइनस में हो जाएगा 12, यहां से माइनस में 20 × 4 = 80 × 10⁻¹ कितना हो जाएगा माइनस में 12 मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा देखिएगा 10⁻¹ माइनस में 12 है कॉमन आपका यहाँ से, तो 81 से घटेगा 80 कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब आपका यहाँ पे बचा है कितना 10⁻¹ माइनस में सिर्फ और सिर्फ 12 ही बचेगा। तो ये Q1 - Q2 ½ की वैल्यू ये है, है नहीं। तो जब यहां से निकालेंगे Q1 - Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पे रूट बढ़ा देंगे, तो 10⁻¹ माइनस में हो जाएगा 12 रूट के अंदर। अच्छा भैया जब ये निकलेगा रूट के बाहर कितना घात रह जाएगी इसकी, आधी। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जितनी घात 10⁻¹ होगी जब उसको बाहर निकालेंगे तो घात हमारी आधी रह जाएगी, पावर हमारी आधी रह जाएगी, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया, 10⁻⁶ कूलाम हो गया। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ Q1 - Q2 =
वन माइक्रो कूलम लिख सकते हैं भाई, 10^-6 कूलम है तो इसे 1 माइक्रो कूलम हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो में 10^-6 होता है। इसे मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर हमारी क्या है 2 है, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, देखो भैया यहां से। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी कहां गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या है 2 है, इनको दोनों को ऐड कर दो। देखो हम ऐड कर रहे हैं यहां पे, इसके नीचे लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q1+Q2 इक्वल टू कितना है 9 माइक्रो कूलम है, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट थी। दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया ऐड कर रहे हैं, तो Q2- का यहां पर Q2+ का तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब Q1 ऐड होगा दोनों प्लस के तो क्या हो जाएगा 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 और ये कितना हो जाएगा भैया 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। यहां से जब 2 को क्या करेंगे डिवाइड में लाएंगे तो Q1 कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 माइक्रो कूलम, तो Q1 भैया वैल्यू निकालना है 5 माइक्रो कूलम निकालना है यहां से। अब देखिएगा जरा ये Q1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दीजिएगा, कहीं भी डाल दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन तो क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है Q1+Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू यहां पे 5 डालो भैया तो क्या हो जाएगा 5+Q2 इक्वल टू कितना है 9 माइक्रो कूलम, तो जब Q2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम ही था ना यहां पे, तो मैं इसमें 5 माइक्रो कूलम करेंगे तो Q2 मेरे पास कितना हो जाएगा भैया 4 माइक्रो कूलम। तो देखा बच्चा कितने इजी तरीके से मैंने Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा भैया ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा गया कि दो चार्ज है, मतलब दो आवेश है, एक 9e है एक प्लस में e है, मतलब एक प्लस 9e है एक प्लस e है, तो इनके बीच में बोले हैं कि एक चार्ज कहां पे रख दिया जाए, एक चार्ज q कहां पे रख दिया जाए कि ये पूरा सिस्टम साम्यावस्था में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो भैया देखिएगा जैसा कि यहां पे क्या करते हैं भैया, फिगर इसका सबसे पहले बना लेते हैं, जरा देखिएगा आप, देखिएगा यहां से देखो बच्चा, एक हमारा चार्ज यहाँ पे प्लस 9e है, एक हमारा चार्ज यहाँ पे क्या है प्लस e है, समझे। और ये भी बोले हैं कि इनके जो डिस्टेंस है जानते है कितनी है, डिस्टेंस जो बोले भैया कितनी है जानते है, 16 सेंटीमीटर की है, जरा समझिएगा अच्छे से, डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर की है। तो अब बोले हैं कि इनके बीच में एक चार्ज क्यों कहां पर रख दिया जाए कि ये साम्यावस्था में रहे। तो भैया जरा देखिएगा हम क्या मानते हैं, एक चार्ज हमारा क्यू है, मान लीजिए हमने इसको यहां पे रख दिया, अब इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, तो भैया मानते हैं कि हमारा जो चार्ज 9e है इससे इसको एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, समझे, इस वाले चार्ज से एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब भैया बताओ ये पूरी दूरी 16 है, ये दूरी एक्स है, तो ये दूरी हमारी क्या बचेगी, क्यू से ई की दूरी क्या बचेगी, कोई बताएगा, तो भैया हमारी जानते हैं ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी 16-x। भैया मान लीजिए अगर ये 4 होती, अगर मान लो ये दूरी हमारी 4 होती तो फिर ये कितनी होती, कितनी होती भैया 12 होती कि नहीं होती, क्यों 16 से हम इस 4 को घटा देते, तो सेम हमारी डिस्टेंस ये क्या हो गई 16-x हो गई। अब भैया जरा देखिएगा प्लस 9e हमारा चार्ज है, पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे बोले हैं कि प्लस क्यू चार्ज हमारा है, तो अब देखिएगा भैया ये वाला चार्ज इस पे कोई फोर्स लगाएगा, मान लीजिए इस पे जो फोर्स लगाता F1, क्या लगाता, ये प्लस 9e वाला चार्ज है, मान लीजिए इस पे फोर्स लगाता F1, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी जब इस पे ये फोर्स लगाएगा ना तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। सेम वे क्या होगा, ये वाला भी चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी इधर की ओर, भैया मान लीजिए ये वाला फोर्स हमारा क्या है F2 है, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पे लेते हैं, जानते हो क्या, सपोज चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड
एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज प्लस 90। देखो भाई हिंदी वाले इसमें लीजिएगा, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि हमने माना है कि जो चार्ज क्यू है इससे प्लस 9e चार्ज से एक्स सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, ठीक है। अब ये जरा देखिएगा, इनके इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, और इनके इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। तो यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिएगा तो क्या करेंगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लस 9e एंड प्लस क्यू इज, कितना फोर्स वर्क करता है, F1 वर्क करता है। तो F1 कैसे निकालेंगे जरा बताइएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, है नहीं, प्लस Q1 होता है, Q1 कितना हमारे पास दिया 9e है, इनटू में Q2 हमारे पास कितना है, Q है, अपॉन डिस्टेंस कितनी भी है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा भाई, फर्स्ट होगी। सेम वे हमारे पास जानते क्या होगा, द फोर्स बिटवीन प्लस ई एंड प्लस क्यू। अब ये ई और क्यू के फोर्स कितना वर्क कर रहा है, F2 वर्क कर रहा है, तो यहां से आपको F2 फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करें, 1/4πε0 Q1 Q2 दिया ई इंटू में क्यू अपान में क्या रहेगा आपके पास में, डिस्टेंस भी है 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, अगर ये साम्य अवस्था में है तो Q पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब Q पर जो फोर्स F1 और F2 वर्क कर रहा ना, तो वो F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो साम्य अवस्था में होगा। तो भैया देखिएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा जानते हो, F1 बराबर में होगा F2। अब ये देखिए, जैसे हम F1 बराबर F2 रखेंगे तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 1/4πε0 इंटू में क्या है 9e इंटू में q अपान में क्या है x स्क्वायर, बराबर में F2 हमारा है, तो F2 की वैल्यू भैया क्या है 1/4πε0 इंटू में क्या है ये e इंटू में q अपान में 16 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर है। अब देखिए भैया ये चीज सेम है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी ना, और देखिएगा यहां से आपका E और Q भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है नहीं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहां बचा 9/x² इक्वल टू कितना बचेगा भैया 1/16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इतना बचेगा टर्म, है नहीं। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे तो जानते क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास बचेगा 3/x, ओके, इधर बचेगा 1/16 माइनस में एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी कितना आ जाएगा 16 थी 48 माइनस में 3x, इसको उधर ले आओ तो 3x और x हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x बराबर में 48। तो x बराबर जब करेंगे तो हमारा 4 जाएगा डिवाइडेशन में, ठीक है, 12 4 जा 48, मतलब बार जो कितना होता भैया 48 होता है। तो x बराबर कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, मतलब साफ है कि जो हमारा चार्ज क्यू रखा गया है ये 9e चार्ज से, 9e वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तब पूरा सिस्टम हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब साम्य अवस्था में होगा। तो हमने भी यह माना था कि इस चार्ज क्यू को हम 9e वाले चार्ज से x दूरी पर रख रहे हैं, तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 12 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले चार्ज से इसको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। आप तो ये वाला क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही मस्त, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सच में यार इसमें। देखिए भाई, जैसा कि आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, फिगर इसमें ड्रा किया गया होगा क्वेश्चन के नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आपको इस फिगर अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखा है, तो वहां पे जो चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, इस पे पूछा है कि फोर्स कितना वर्क करता है, तो चार्ज क्यू पे आपका जो रिजल्टेंट फोर्स वर्क करता है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पर भैया फाइंड करना है। तो देखिए भैया, आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा रहा हूँ,
मैं फिगर बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, देखिएगा ये यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में तीन चार्ज हैं उनको रखा गया है इस तरीके से। तो यहां पे बोला गया कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पे माइनस फोर क्यू चार्ज है, यहां पर भैया है प्लस टू क्यू चार्ज। और जो लेंथ बोली है ना, और देखिएगा ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, इसकी लेंथ भैया बोली है कि ये कितनी है, एल कितनी है, एल लेंथ भैया इसकी कितनी है, एल। जब ये लेंथ इसकी ये लंबाई एल है तो ये भी एल होगी और ये भी क्या होगी भैया, एल होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी, समझ गए। तो भैया समबाहु त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, जानते हो क्या, उसका जो प्रत्येक कोण होता है साठ अंश, कितना होता है साठ अंश होता है, तो ये भी साठ अंश होगा, तो ये भी साठ अंश होगा और ये भी क्या होगा साठ अंश होगा, समझ गए। तो यहां पे बोले कि जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना वर्क करता है, उसका फार्मूला आपको फाइंड करके लाना है। तो देखिए भैया हम क्या करते हैं, देखिए तो भैया देखिएगा इस प्लस क्यू वाले चार्ज पे हमारा ये वाला भी तो चार्ज एक फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज माइनस फोर क्यू ये भी फोर्स लगाएगा, है नी। अब देखिएगा ये भी प्लस का है, प्लस का हमारा ये भी है, तो जो प्लस टू क्यू चार्ज है तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जो इस पे प्लस टू क्यू चार्ज इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन जानते हो भैया क्या होगी, उधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, उधर की ओर होगी। तो क्या करते हैं भैया, मान लीजिएगा ये फोर्स टू क्यू जो लगा रहा है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन भैया इधर की ओर है, ये मान लीजिए फोर्स हमारा क्या है एफ वन, क्या है एफ वन है, समझ गए, क्योंकि ये होगा रिपल्सन फोर्स, कौन सा होगा प्रतिकर्षण बल होगा। और देखिएगा ये वाला भैया माइनस का चार्ज है, ये वाला है प्लस का, तो ये माइनस फोर क्यू जो है किस क्यू पर लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, क्योंकि ये निगेटिव है, तो भैया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी, ये भैया मान लीजिए आपका क्या है एफ टू, क्या है एफ टू है। अब जरा भैया देखिएगा गौर से, जरा देखिएगा ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 तो होने ही है क्योंकि आपका ये समबाहु त्रिभुज है नहीं। तो भैया देखिएगा आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला एंगल जानते हो कितना होगा, ये एंगल है क्या, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, मतलब जानते हो क्या है, इसे बोलते हैं बहिष्कोण, इसे बोलते भैया बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने पास वाले कोण को छोड़ करके अपने से जो दूर कोण होते हैं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके पास में भैया एंगल ये वाला, इसको छोड़ दीजिएगा, दूर कौन से कोण है ये वाले, तो इनका योग करें कितना होगा 120, तो ये वाला कोण जानते कितना भैया होगा 120 अंश होगा, मतलब यहां पर जो एफ वन और एफ टू फोर्स लग रहे हैं ना इसके ऊपर, उनके बीच में कोण कितना है 120 अंश का कोण है। अब भैया देखिएगा जरा यहां से आपके पास फार्मूला क्या होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रिपल्सन फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू प्लस टू क्यू, मतलब इसका ये भी हिंदी में लिखे दे रहे हैं, प्लस टू क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल, ताकि हिंदी वाले भी बच्चे समझ जाएं, लगने वाला बल। तो भैया बल यहां से कौन सा लग रहा है, एफ वन लग रहा है, एफ वन, तो जब एफ वन निकालेंगे तो भैया कैसे निकालेंगे, है नी, तो एफ वन निकालेंगे तो क्या करेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो करेंगे इंटू क्यू वन क्यू टू करेंगे, तो क्यू वन हमारे पास कितना है टू क्यू है, है नी, और क्यू टू कितना मेरे पास है Q है, डिस्टेंस कितनी भैया L है, क्योंकि जब ये L है तो ये भी तो L होगी ना, तो क्या होगा L का स्क्वायर हो जाएगा, है नी। तो देखिए यहां से इसे लिख सकते हैं F1 बराबर में 2Q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में L, इक्वेशन नंबर भी हो गई फर्स्ट, है नी। इसी प्रकार जानते हो क्या होगा, इसी प्रकार ये वाला जो चार्ज है माइनस 4Q इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, तो क्या लिखेंगे, द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू माइनस फोर क्यू, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, ये जानते क्या है कि माइनस
क्यू आवेश के कारण, माइनस फोर क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल भैया, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का फोर क्यू आकर्षण, तो यहां पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा भैया। ठीक है, तो इसकी F2 की वैल्यू निकालते थे, F2 की वैल्यू क्या होगी जरा देखेगा, देखो भैया जब निकालेंगे F2, तो F2 कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 भैया, तो Q1 कितना मेरे पास माइनस फोर क्यू, तो भैया यहां पे रखेंगे 4Q, ठीक, इनटू में मेरे पास क्या है वो है Q, डिस्टेंस कितनी भैया, डिस्टेंस तो L ही होगी ना, L स्क्वायर। अच्छा इसे कर लेंगे क्या, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Q स्क्वायर क्या है मेरे पास में, 4Q स्क्वायर अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में L, अभी 4 से 4 काटेंगे नहीं भैया, जरा इसको देखो ब्रेक करते हैं, तोड़ लेते हैं F2 बराबर, इस 4 को 2 इनटू 2 में तोड़ लीजिएगा, तो क्या करिए 2 इनटू में 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर, यहां पे L स्क्वायर है, L स्क्वायर। अब जरा भैया आप लोग देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल, अरे यहां पर भी एल स्क्वायर होगा, गलती से एल लिख गया था, यहां पर भी एल स्क्वायर ही है। ठीक है, तो देखिएगा ये चीज जरा देखिए, एफ1 की जो वैल्यू है भैया देखिए क्या वही वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, लिखी है ना, तो ये एफ1 की तो वैल्यू है, तो ये एफ2 क्या हो जाएगा, एफ2 बराबर हो जाएगा 2f1। ठीक है, ये भैया एफ2 और एफ1 में रिलेशन हम यहां से निकाल रहे हैं, समझ गए, ये रिलेशन एफ2 और एफ1 में निकाल रहे हैं। अब ये जरा चीज और देखिएगा, हमने आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है कि जब दो फोर्स किसी एंगल थीटा पे वर्क कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो फोर्स हैं F1 F2, वो थीटा एंगल पे कहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो जानते क्या होता है, ये होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इनटू में F2 cos थीटा, ये होता है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे थीटा कितना है, ये एफ वन है, ये एफ टू है, इनके बीच में एंगल थीटा कितना है 120 अंश, तो यहाँ पे भैया थीटा कितना 120 अंश है, तो यहाँ पे 120 अंश आप पुट कर दीजिएगा। ओके, और देखिएगा जहां पर एफ टू है वहां पर टू एफ वन हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो जरा भैया देखिएगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू, एफ टू क्या पुट करेंगे टू एफ वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एफ वन का होल ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर है प्लस में क्या होगा 2f1 इनटू f2 ये क्या पुट करेंगे 2f1, तो इनटू में 2f1 हो जाएगा। अब इनटू cos 120 अंश की जानते हो वैल्यू कितनी थी भैया, वो थी -1/2, क्या होती है -1/2 होती है, तो इनटू में -1/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरीके से ना, और तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा f = 2 निकल के आ जाएगा, ये तो f1 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एफ वन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 एफ वन स्क्वायर ही बचेगा यहां से। ठीक है, 4 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5 एफ वन स्क्वायर, और माइनस में 2 एफ वन स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा रूट के अंदर 3 एफ वन स्क्वायर, बल्कि ये कह सकते हैं कि एफ बराबर हमारे पास बचेगा रूट थ्री एफ वन, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा एफ हो जाएगा, समझ गए। अच्छा यहां पर क्या करेंगे, एफ वन की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिएगा, तो एफ वन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये थी ना, तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू में क्या होगा टू क्यू स्क्वायर अपान में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्या हो जाएगा टू रूट थ्री क्यू स्क्वायर अपान में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल स्क्वायर। तो भैया यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसका भैया फॉर्मूला निकाल के लिया, एफ इक्वल टू 2 रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 एल स्क्वायर। तो ये आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप लिखना चाहे जिसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा।